हेलो फ्रेंड्स, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज़ योर अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। तो लिखिए जी, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। सर, बोनस का मतलब क्या होता है? बोनस मींस जब भी कोई चीज़ हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई चीज हमें मिली और बदले में हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, दैट इज नोन एज बोनस। जैसे हम जाते हैं बाजार में कुछ ना कुछ खरीदने, तो साथ में कुछ ऑफर चल रहा होता है कि भाई 100 ग्राम खरीदोगे तो 50 ग्राम्स फ्री, दो के साथ एक फ्री। तो मुझे बताओ, जो एक्स्ट्रा चीज आपको मिल रही है, क्या उसके लिए कुछ पे करा जा रहा है? आंसर इज कुछ भी नहीं पे करा जा रहा, दैट इज नोन एज बोनस। ऐसे ही कंपनी शेयर्स भी बोनस की फॉर्म में इशू कर देती है, कंपनी शेयर कैपिटल भी बोनस की फॉर्म में इशू कर देती है। मतलब शेयर होल्डर्स को शेयर तो दे रही है कंपनी, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं ले रही। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक देखा था कि हमने कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो बदले में कुछ ना कुछ उनसे लेती है, शेयर होल्डर से या तो पैसा लेगी या कोई एसेट लेगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि शेयर तो इशू कर रही है कंपनी, लेकिन बदले में कोई भी कंसिडरेशन उसको नहीं मिल रही है, दैट इज नोन एज बोनस इशू। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट की कुछ बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63 गवर्न करके चलता है बोनस इशू को। ठीक है जी, तो पहले एक बेसिक चीजें लिखते हैं कि बोनस इशू क्या होता है, फिर सेक्शन 63 पे आएंगे और साथ साथ सभी रेगुलेशंस पे भी आएंगे और एंड में हम अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को भी देखेंगे। तो पहले आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दीजिए कुछ इसके बारे में। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, बोनस शेयर क्या होता है। अब बोनस शेयर मे बी डिफाइंड एज, अ बोनस शेयर मे बी डिफाइंड एज इशू ऑफ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। अ बोनस शेयर मे बी डिफाइंड एज इशू ऑफ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स ऑलरेडी held by them, in the proportion of the shares already held by them, meaning thereby bonus issue increased the number of shares, but it does not affect the net worth of the company, ठीक है जी। क्या होता है बोनस शेयर? देखिए जी, बोनस शेयर का मतलब क्या हुआ? अ बोनस शेयर में भी डिफाइंड एज इश्यू ऑफ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, इश्यू ऑफ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में शेयर दिया जा रहा है किसको? ध्यान देना, किसको दिया जा रहा है? सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इन द प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। मतलब कंपनी अपने, देखो, नए शेयर होल्डर्स को बोनस नहीं होता, हमेशा बोनस किसको होता है? हमेशा बोनस होता है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी किस प्रपोर्शन में होगा? जिस प्रपोर्शन में उनके पास ऑलरेडी शेयर हैं। मतलब के अगर मान लो, एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, अगर मान लो कंपनी की शेयर कैपिटल थी, ओरिजिनल शेयर कैपिटल थी 10 लाख शेयर्स, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, और मिस्टर एक्स के पास है 1 लाख शेयर्स,
मिस्टर एक्स के पास है कितने शेयर, 1 लाख शेयर, इसका मतलब वो कंपनी के कितने परसेंट कैपिटल को होल्ड करके चलता है, वो कंपनी की 10% कैपिटल को होल्ड करके चलता है। 10% कैसे निकला, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो यानी कि उसके पास कंपनी के 10% शेयर्स है। अब कंपनी ने 50,000 बोनस शेयर इशू करे, 50,000 क्या इशू करे, बोनस शेयर इशू करे, तो मुझे बताओ 50,000 का कितना परसेंट मिस्टर एक्स को मिलना चाहिए, 50,000 का 10%, दैट इज 50,000 में से 5,000 शेयर किसको मिल जाएंगे, मिस्टर एक्स को मिल जाएंगे। तो वो यही कह रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मिस्टर एक्स कुछ देगा नहीं इसके लिए, लेकिन वो मिलेंगे किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, और इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय देम, किस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में शेयर उसके पास पहले से ही थे। ठीक है जी, आगे क्या कहता है, मीनिंग देयर बाय बोनस इशू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर, बोनस इशू से क्या होता है सर, नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाते हैं बट इट डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी की नेटवर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, देखो अब जैसे इसी वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, 1,50,000 शेयर हो गए, अब कंपनी के शेयर कितने हो गए, 1,50,000 शेयर हो गए, लेकिन नेटवर्थ में फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, देखो पहले कैपिटल अगर मान लो 10 रुपए का शेयर लूं तो पहले कैपिटल कितने की थी, ये थी 1,05,00,000, सॉरी ये थी अपनी 1 करोड़ की, 100 लाख की, इसकी वजह से कितनी होगी सर, 1,05,00,000, लेकिन 1 करोड़ यानी कि जो 5 लाख की कैपिटल आई है उसके लिए कहीं ना कहीं से कंपनी ने पैसा यूटिलाइज तो किया होगा, और वो पैसा कंपनी ने कहां से यूटिलाइज किया, कंपनी ने अपने रिजर्व्स से यूटिलाइज कर लिया वो पैसा, कंपनी ने अपने रिजर्व से यूटिलाइज कर लिया वो पैसा। देखो शेयर कैपिटल भी किसकी होती है, शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर की होती है, और रिजर्व्स भी किसके होते हैं, शेयर होल्डर के होते हैं, तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनती है, नेटवर्थ बनती है। तो मुझे बताइए यहां से पैसा गया और यहां पर पैसा ऐड हुआ तो क्या कोई नेटवर्थ में फर्क पड़ा, क्या कोई नेटवर्थ में फर्क पड़ा, आंसर इज नो सर, नेटवर्थ विल रिमेन सेम। दोबारा इसे क्लैरिटी से समझते हैं, देखो एग्जिस्टिंग सिचुएशन और ये न्यू सिचुएशन, शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल है सर यहां पर ले लिया हमने लेट अस से 100 लाख, ठीक है जी, और रिजर्व्स थे कंपनी के 10 लाख रुपए के, रिजर्व्स थे 10 लाख रुपए के, रिजर्व्स थे, नए शेयर बोनस शेयर आने की वजह से कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, बोनस शेयर आने की वजह से कंपनी की कैपिटल मान लो 5 लाख की कैपिटल आई तो 1,05,00,000 की कंपनी की कैपिटल होगी, 1,05,00,000 की कंपनी की कैपिटल होगी, लेकिन वो 5 लाख रुपए कंपनी के पास कैश तो आए नहीं, तो कंपनी कहां से, रिजर्व्स में से यूटिलाइज करेगी पैसा, तो रिजर्व कितने रह गए, रिजर्व रह गए सर 5 लाख, रिजर्व कितने रह गए 5 लाख, क्योंकि पैसा कंपनी के पास कहीं से आया नहीं, तो कंपनी पैसा लाएगी कहां से, कंपनी को कैपिटल बढ़ाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से चाहिए तो सही, तो कंपनी पैसा वो लाएगी अपने रिजर्व्स से। तो अब मुझे बताइए नेटवर्थ कितनी कितनी आएगी, ये देखिए नेटवर्थ, नेटवर्थ में क्या क्या आता है, नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो ये कितनी होगी 1,10,00,000, और यहां पर टोटल बताइए, यहां पर भी सर 1,10,00,000, लेकिन पहले 1,10,00,000 को खाने वाले शेयर होल्डर्स थे कितने, 10 लाख शेयर होल्डर्स थे, लेकिन अब कितने हो गए, 10.5 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बोनस की वजह से, ये 5 लाख रुपए जो आया बोनस है, बोनस की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो गए, देखो नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज हो गए, लेकिन नेटवर्थ विल रिमेन सेम। क्यों सेम रहेगी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नेटवर्थ सेम कैसे रहेगी, नेटवर्थ सेम इसलिए रहेगी क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ती है तो साथ साथ रिजर्व्स भी तो कम हो जाते हैं, तो नेटवर्थ विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, ये था, बताइए जी इज दैट क्लियर, ओके। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज, बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बोनस का दूसरा नाम भी होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है, जैसे मैंने अभी बताया प्रॉफिट मतलब कंपनी अपने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो अंडर दिस प्रोसेस
कंपनी कन्वर्ट इट्स प्रॉफिट और रिजर्व्स, अ कंपनी कन्वर्ट इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व्स विच आर अवेलेबल, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स इंटू पेड अप कैपिटल, इंटू पेड अप कैपिटल। ठीक है जी, अब इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं। देखो बोनस को क्या बोलते हैं हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। अंडर दिस प्रोसेस अ कंपनी कन्वर्ट, कंपनी अपने प्रॉफिट्स और रिजर्व को कन्वर्ट कर देती है किसमें, इनटू पेड अप कैपिटल में। ध्यान रखना कौन से प्रॉफिट्स और रिजर्व को, विच आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर। इसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। जो रिजर्व्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं अमंग द डिविडेंड, उन रिजर्व्स को क्या बोला जाता है जी, फ्री रिजर्व्स भी बोला जाता है। तो कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करती है टू कन्वर्ट इट इनटू द बोनस शेयर्स। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, इफ द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इफ द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड्स द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक्सीड्स द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू, कंपनी मे हैव टू, कंपनी मे हैव टू इंक्रीज इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। देखो जी क्या कहता है वाला पॉइंट, वो कहता है अगर बोनस की वजह से, अगर बोनस की वजह से कंपनी की सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है, किससे, ऑथराइज कैपिटल से। भाई देखो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो इनिशियली स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाती है, लेकिन बाद में अगर हम बोनस इशू करें तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी आ जाए कि कंपनी की इशूड सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज से भी बढ़ जाए। जैसे ये वाला जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, इसमें मैं मान के चलता हूं ऑथराइज कैपिटल थी 1 करोड़ की और 1 करोड़ के शेयर हमने इशू कर रखे हैं, लेकिन इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ, इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ गई। कितनी बढ़ गई सर, 1 करोड़ 5 लाख, लेकिन ऑथराइज तो 1 करोड़ ही है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, पहले तो मुझे बताओ क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सब्सक्राइब कैपिटल, आंसर इज नो। तो कंपनी को इमीडिएटली अपनी ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा, कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। और ध्यान रखना कितने प्रोपोर्शन में से बढ़ाना पड़ेगा, जितने प्रोपोर्शन का आपका बोनस है। फॉर एग्जांपल आपने 10% बोनस इशू किया तो आपको 10% से ही अपनी एग्जिस्टिंग ऑथराइज कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ये कंपनी का लॉ कहता है। ठीक है जी, तो ये हमारी बेसिक बातें थी बोनस की, एक बार दोबारा देखते हैं इनको। पहला पॉइंट क्या था, बोनस का मतलब क्या होता है, बोनस मींस एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज नोन एज बोनस इशू। बोनस इशू होने की वजह से कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कंपनी की नेटवर्थ एज इट इज रहती है, नेटवर्थ विल नॉट इंक्रीज। क्यों इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि शेयर कैपिटल के लिए पैसा कहां से आता है, रिजर्व से आता है, और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू नेटवर्थ। पॉइंट नंबर टू क्या था, कि बोनस को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को, वो रिजर्व जो कि डिविडेंड की तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर देती है इनटू द पेड अप
कैपिटल। और पॉइंट नंबर थ्री क्या था कि कंपनी की बोनस की वजह से कभी कभी सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज से भी इंक्रीज हो जाती है, तो कंपनी को इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, उतने ही लेवल से जितने का बोनस था उतने ही लेवल से कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? चलो ये तो बेसिक बातें थी, अब मैं आपको कंपनी लॉ की तरफ लेके चलता हूं, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं इस बारे में। तो लिखिए प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बोनस इश्यू पे लगता है सेक्शन 63। तो देखिए सेक्शन 63 क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट वो कहता है अ कंपनी मे इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। हाँ जी, अ कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। बोनस शेयर्स शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है जैसे हम एसेट्स को रिवैल्यू करके बनाते हैं, दैट इज द रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। हाउएवर However, capital reserve, कौन सा capital reserve? Being profit on sale of fixed assets can be used. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैन बी यूज्ड। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 63 का, पहला प्रोविजन क्या कहता है? वो कहता है कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। पहला पॉइंट तो क्या आ गया सर, कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर्स जो भी होंगे वो हमेशा और हमेशा क्या होंगे, फुली पेड अप होंगे, कभी भी पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स नहीं हो सकते, फुली पेड अप बोनस शेयर्स होंगे। कहां से इशू कर सकती है कंपनी? अपने फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकती है जो कि जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट होता है। कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है। अगर आपको याद हो तो सेक्शन, बताइए जी, सेक्शन 52 होता है कंपनीज एक्ट का, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के यूजेस दे रखे होते हैं। वहां पर लिखा होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज टूवर्ड्स द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है। और कंपनी अपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को भी यूज कर सकती है, सीआरआर को भी यूज कर सकती है। सीआरआर कब बनता है? सीआरआर बनता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो कंपनी को जितने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया उतनी नॉमिनल वैल्यू के अमाउंट को सीआरआर में डालना पड़ता है। तो सीआरआर के पैसे को भी यूटिलाइज किया जा सकता है टुवर्ड्स द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है जी। और सीआरआर का तो सिंगल ही यूज होता है, सीआरआर हमेशा कंपनी को बोनस शेयर के लिए यूज करना पड़ेगा।
ठीक है। अब बात आते हैं सर इन तीनों का ऑर्डर क्या रहेगा। ऑर्डर रहेगा जिसके लिमिटेड यूज है उसको पहले यूज करो। तो लिमिटेड यूज किसका है तीनों में से, सीआरआर का लिमिटेड यूज है, क्योंकि सीआरआर सिंगल जगह पे यूज होता है बोनस इश्यू के लिए। तो सबसे पहले सीआरआर यूज होगा, सेकंड पे सिक्योरिटी प्रीमियम के भी 5 यूज होते हैं, तो सेकंड पॉइंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा। और फ्री रिजर्व तो सर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड है, तो फ्री रिजर्व को हम सबसे एंड में यूटिलाइज करेंगे। जनरली आपको क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि यू हैव टू मिनिमम रिड्यूस द फ्री रिजर्व, देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व, ठीक है जी। आगे बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूटिलाइज नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब अपने एसेट्स को रिवैल्यू करके, जैसे हमें लगता है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी चाहिए, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दिया और एक रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया। क्या वो रियलाइज्ड प्रॉफिट है? क्या वो रियलाइज्ड प्रॉफिट है? आंसर इज वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अलाउ नहीं किया गया। हाउएवर कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं, और कैपिटल रिजर्व भी कौन से वाला, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉजिक देखिए, लॉ मेकर का क्या लॉजिक है कि कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज किया जा सकता है, और कैपिटल रिजर्व भी कौन से वाला, जो कि हमारा होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि वो रियलाइज्ड होता है। एसेट को बेच के अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो रियलाइज्ड होगा, कैश रियलाइज्ड होगा, तो उस कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। बताइए जी, क्लियर हुआ? ओके, पॉइंट नंबर टू, नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग fully paid up bonus shares unless अब यहां पर कुछ लिखेंगे conditions, क्या क्या conditions को comply करना पड़ेगा। पहली condition कहती है it is authorized by articles, भैया company के articles में लिखा होना चाहिए, इट इज ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स में तो सब कुछ ही लिखा होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स आर द बायलॉज ऑफ द कंपनीज, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, तो आर्टिकल में तो हर चीज को मेंशन किया जाता है। इट इज ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स, सेकेंड पॉइंट इज इट हैज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड been authorized in the general meeting of the company, देखो बोनस को रिकमेंड कौन करता है, बोनस को रिकमेंड करेंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन उनको ऑथराइज कौन करेगा, रेजोल्यूशन उसका कौन पास करेगा, शेयर होल्डर्स पास करेंगे इन द जनरल मीटिंग। तो ये वाली कंडीशन भी आपको कंप्लाई करनी है। थर्ड पॉइंट इज It has not defaulted. It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposits or debt securities issued by it। देखो बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, वो कहता है कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, किस चीज में डिफॉल्ट ना किया हो, टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। किन पर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, कंपनी की डिपॉजिट्स पर और कंपनी की डेट सिक्योरिटीज पे। भाई कंपनी ने डेट सिक्योरिटीज इशू करी है, या डेट सिक्योरिटीज कहीं से लोन ले रखा है, या कहीं से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखा है, तो उसके ऊपर कंपनी ने कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट का या प्रिंसिपल पेमेंट का डिफॉल्ट ना किया हो, तो ये चीज आपको कंप्लाई करनी है। क्योंकि देखो इंटरेस्ट तुम पे कर नहीं रहे,
लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर नहीं रहे, लेकिन तुम बोनस बांटे जा रहे हो शेयर होल्डर में, तो ऐसा कंपनी कभी, कंपनीज एक्ट कभी भी अलाउ नहीं करेगा। पॉइंट नंबर फोर्थ, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द इम्प्लॉयज सच एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी बोनस एटसेट्रा। ठीक है, वो कहता है कि इंप्लॉयज के जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है कंपनी ने, उसकी पेमेंट में भी कोई डिफॉल्ट ना क्या हो। इंप्लॉयज के स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब पीएफ में कंट्रीब्यूशन देना, ईएसआई में कंट्रीब्यूशन देना, ग्रेच्युटी में देना, बोनस में देना, अगर कंपनी ने इनमें डिफॉल्ट कर रखा है तो कंपनी बोनस इश्यू नहीं कर सकती। ठीक है जी, एंड द लास्ट पॉइंट इज द पार्टली पेड अप शेयर, द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग, इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुली पेड अप। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे जितने भी कंपनी के बोनस की अलॉटमेंट के टाइम पे जितने भी कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर्स थे, कंपनी को उसे फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगी कंपनी, कॉल्स करेगी, कॉल करके पैसा आ जाएगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उन शेयर्स को फोरफीट भी कर सकती है, तो फोरफीचर भी हो सकता है। और थर्ड केस कंपनी क्या कर सकती है, उन कॉल को वेव ऑफ भी कर सकती है। कंपनी ये भी कह सकती है कि भैया मैं तुम्हें बोनस शेयर नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल को वेव कर देता हूँ, ऐसा भी ऑप्शन होता है। ठीक है जी, तो ये आपको पांच कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा इस चीज को देखते हैं, पढ़िए। वो कहता है नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट का मतलब होता है बोनस इशू करना फॉर द पर्पस ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, अनलेस जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए, ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। पहली, इट इज ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स, भैया आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है। नेक्स्ट, इट हैज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद ये जनरल मीटिंग में ऑथराइज हो जाना चाहिए, कंपनी की जनरल मीटिंग में ऑथराइज हो जाना चाहिए। देन कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना कर रखा हो टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड डेट सिक्योरिटी इशूड बाय इट, कंपनी ने जितनी भी डेट सिक्योरिटी इशू करी है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करिए, उनकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट ने कोई भी डिफॉल्ट ना कर रखा हो, अगर तो डिफॉल्ट कर रखा है तो बोनस इशू नहीं हो सकता। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज, इंप्लॉयज के स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोनस या ईएसआई वगैरह, उसमें अगर कोई डिफॉल्ट कर रखा है तब भी कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट, अगर कोई भी पार्टली पेड अप शेयर है तो कंपनी को उसे फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई बोनस देते टाइम पे अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो कंपनी को पहले कॉल्स मंगवाकर उसे फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो कॉल मंगा लो शेयर होल्डर कॉल दे देगा, अगर कॉल मंगाने के बाद शेयर होल्डर कॉल नहीं देता तो कंपनी क्या करेगी उन शेयर्स को फोरफीट कर लेगी, या फिर कंपनी क्या करेगी बोनस देने की बजाय उन कॉल्स को वेव ऑफ कर सकती है। ठीक है जी, अभी आता हूं मैं वेव ऑफ पे किस तरीके से होगा। बोलो जी, ये कंडीशन समझ में आती है? ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री, वो कहता है बोनस डिसीजन once made cannot be withdrawn। वो कह रहा है एक बार अगर आपने बोनस डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको वापसी नहीं ले सकते,
और बोनस शेयर, बोनस शेयर शेल नॉट बी इश्यूड इन द ल्यू ऑफ डिविडेंड, इन द ल्यू ऑफ डिविडेंड मतलब आप बोनस को डिविडेंड के बदले में इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है और आप कहते हो कि मैं डिविडेंड देने की बजाय आपको बोनस बांट देता हूं, तो वो बोनस डिविडेंड की रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखने आपको कि बोनस डिसीजन एक बार अगर कंपनी ने ले लिया तो बोनस डिसीजन को कंपनी विड्रॉ नहीं कर सकती, और दूसरी चीज बोनस शेयर्स को डिविडेंड की रिप्लेसमेंट में इन द लियू ऑफ डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ठीक है जी, पॉइंट नंबर फोर्थ, फॉर कन्वर्टिंग, फॉर कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इंटू फुली पेड अप ओनली फ्री रिजर्व्स कैन बी यूज्ड, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड। देखो जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया था ऊपर कंडीशंस में कि कंपनी अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो कंपनी क्या करेगी जी, कंपनी उनसे कॉल्स मंगवाएगी, कंपनी उनसे कॉल्स मंगाएगी, तो कॉल मंगाने के लिए कभी कभी कंपनी कॉल वेव ऑफ भी कर देती है। तो वो ये कह रहा है कि पार्टली पेड अप शेयर को अगर फुली पेड अप कर रहे हो, पैसा नहीं मंगवा रहे, उनकी कॉल को वेव कर रहे हो, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स को यूज करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड, इसको कर लो ठीक, कैन नॉट बी यूज्ड आएगा इधर। कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है जी, बताइए जी, क्लियर। तो ये हमारे सेक्शन 63 कंपनीज एक्ट सेक्शन 63 के कुछ प्रोविजंस थे जो कि डील करते हैं बोनस इशू को। अब मैं आपको कराता हूं जी साथ साथ सेबी रेगुलेशंस की, कुछ हमें सेबी रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना है कि सेबी की क्या रेगुलेशंस है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए जब भी शेयर इशू की बात आती है, जब भी कोई भी सिक्योरिटी इशू की बात आती है, तो सबसे ऊपर सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए, लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए एक रेगुलेशन खड़ी हुई है, दैट इज नोन एज सेबी, एक लॉ खड़ा हुआ है, एक एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी हुई है, दैट इज नोन एज सेबी। तो हमें सेबी की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिस्टेड कंपनी के लिए लगती है क्योंकि लिस्टेड कंपनी ही शेयर मार्केट में स्टॉक बेचती है। तो सेबी, अब सेबी की ना कई सारी रेगुलेशंस होती है, तो उसमें से एक रेगुलेशंस होती है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो जब भी शेयर इशू करते हैं तो सेबी आईसीडीआर, ये देखो आईसी डिस्क्लोजर डी आर ICDR, सभी ICDR रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, या फाइनल लेवल पे जब लॉ पढ़ोगे तब आपको डिटेल में समझ में आएंगी क्योंकि आपके कोर्स में रहेगा सभी 2009। तो सभी की कौन कौन सी रेगुलेशंस है, सेबी की कौन कौन सी रेगुलेशंस है जो कि बोनस इशू को डील करके चलती है। पहली रेगुलेशन आती है जी रेगुलेशन 92। अभी आपको लर्न नहीं करनी रेगुलेशन 92, सिर्फ एक सेक्शन याद होना चाहिए आपको, सेक्शन 63। वो वैसे भी जब आप कंपनीज लॉ पढ़ रहे होंगे तो कंपनी लॉ में आपको साथ साथ ही उसको वो चीज भी आप पढ़ने को मिलेगी। तो रेगुलेशन 92 होती है हमारी कंडीशन फॉर इशू, कि सेबी ने क्या क्या कंडीशंस लगा रखी है कंडीशंस फॉर बोनस इशू। तो बच्चे ये जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस है ये सेम है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है सेक्शन 63 में। तो लिख देता हूं सेम एज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 63, जो भी हमने ऊपर सेक्शन 63 में कंडीशंस पढ़ी हैं वो सेम कंडीशंस ही हमारे पास यहां पर अप्लाई होंगी। सेकंड, रेगुलेशन 93, रेगुलेशन 93 रिस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शन ऑन बोनस इशू, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोनस इशू, देखो रेगुलेशन 93 क्या कहती है, रेगुलेशन 93 में लिखा है अगर कंपनी की कोई भी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट समझते हो, कंपनी ने कोई डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करे हैं जिनका नेचर है कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल मतलब शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन अपने डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को कन्वर्ट करा लें इनटू इक्विटी शेयर्स, तो जब बोनस इशू किया है कंपनी ने तो वो बोनस एक्सटेंडेड रहेगा टुवर्ड्स द कन्वर्टिबल पोर्शन ऑल्सो, मतलब अगर कंपनी के डिबेंचर्स हैं और डिबेंचर्स में कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है कि भैया आपने 40% होल्डिंग को आप किस में कन्वर्ट करा सकते हो, शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो, जब भी कन्वर्ट कराओगे वो उनकी ऑप्शन है, तो अगर कंपनी ने बोनस इशू किया है तो उन 40% वालों को भी बोनस इशू मिलेगा, उन 40% वालों को भी बोनस इशू रहेगा, मतलब ये ऑफर उनके पास तक हमेशा अवेलेबल रहेगा, वो इस ऑफर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वाली रेगुलेशन कहती है, देखो ज्यादा प्रैक्टिकल इसकी इंप्लीकेशन आपको नहीं देखनी है लेकिन आपको फिर भी पॉइंट पता होना चाहिए, इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स मतलब डिबेंचर होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स, वेदर फुली और पार्टली, भाई फुली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं कि भैया 100% कन्वर्ट करा लेना, और पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं भाई कुछ परसेंटेज का ऑप्शन दिया गया है, तो वो कहता है बोनस इशू शैल बी एक्सटेंडेड टू दीज इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कन्वर्टिबल पार्ट, कि भैया जितना कन्वर्टिबल पार्ट है तो उतने प्रोपोर्शन के आप बोनस शेयर भी बाद में क्लेम कर सकते हो कंपनी से, देयर कन्वर्टिबल पार्ट, ठीक है जी। तो दिस इज योर रेगुलेशन 93, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोनस इशू। पॉइंट नंबर 3, रेगुलेशन 94 क्या कहती है, देखो रेगुलेशन 94 कहती है द बोनस इशू, ये बताती है कि कहां कहां से यूज हो सकता है, फ्री रिजर्व्स को कितना यूज कर सकते हो, किस टाइप के सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, इस टाइप की बातें करती है। वो कहता है द बोनस इशू शैल बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स बट आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट्स, वो ये कह रहा है कि भैया फ्री रिजर्व तो यूज कर सकते हो, अपना पीएनएल अकाउंट जनरल रिजर्व तो यूज कर सकते हो, लेकिन पीएनएल अकाउंट और जनरल रिजर्व में आपके जेन्युइन प्रॉफिट्स होने चाहिए। जेन्युइन प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ना हो, कोई भी आपके नोशनल प्रॉफिट्स ना हो, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, नोशनल प्रॉफिट होता है, कोई भी नोशनल प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये सब चीजें ना इसमें आपके इंक्लूडेड हो, जैसे होता है ना अनरियलाइज्ड गेन होता है, स्टॉक रिजर्व होता है, ये सब चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए, दैट इज इट डज नॉट इंक्लूड एनी अनरियलाइज्ड गेन, कोई भी आपका ऐसा प्रॉफिट ना हो जो आपको प्रैक्टिकली रियलाइज ना हुआ हो कैश में, कोई भी आपके नोशनल प्रॉफिट ना हो, नोशनल प्रॉफिट मतलब आपको लगता है प्रॉफिट हो रहे हैं इसलिए आपने रिकॉग्नाइज कर लिया लेकिन अभी वो कैश रियलाइज नहीं है, तो नोशनल प्रॉफिट्स ना हो, और कोई भी इसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह ना हो, ठीक है जी।
अगली बात क्या लिखी है रेगुलेशन 94 में, वो कहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड इफ कलेक्टेड इन कैश. कि सिक्योरिटी प्रीमियम आप वही यूटिलाइज कर सकते हो जो कि कैश कलेक्टेड है, जो कि क्या है सर, कैश कलेक्टेड है. क्लियर है जी? ओके. अच्छा मुझे बताओ सर, इसका कोई एग्जांपल दो ना कैश कलेक्टेड वाले का. हमने शेयर इशू करे प्रीमियम पे, बदले में कैश आ गया, तो वहां पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट होगा वो तो कैश कलेक्टेड रहेगा. दूसरी चीज, हमने शेयर इशू करे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमने किसी से एसेट खरीदा और शेयर इशू कर दिए, लेकिन उसको शेयर हमने महंगा लगाया है, क्या वो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कैश रियलाइज्ड है, कैश कलेक्टेड है? आंसर इज नो. तो वो वाले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज आप नहीं कर सकते, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम मस्ट बी कैश कलेक्टेड. और लास्ट आती है हमारी रेगुलेशन 95, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीशन ऑफ बोनस इश्यू, कि बोनस इश्यू कब कंप्लीट होगा. कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू, वो कहता है बोनस इशू मस्ट बी कंप्लीटेड, बोनस इशू मस्ट बी कंप्लीटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन कितने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड इफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड. क्या कह रहा है ये पॉइंट, चलो पहले लिख लेते हैं. एंड विद इन 2 मंथ्स ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड इफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. ठीक है जी. अब वो क्या कहता है, वो कहता है बोनस कब कंप्लीट होगा. बोनस इशू मस्ट बी कंप्लीटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड. भैया बोर्ड के अप्रूवल के बाद कंप्लीट होगा, कितने दिन के अंदर अंदर. बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया और बोर्ड के अप्रूवल के 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बोनस शेयर बांटने पड़ेंगे. 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बोनस शेयर बांटने पड़ेंगे. किस केस में, अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर कंपनी को शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि भैया शेयर होल्डर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इस केस में जैसे ही बोर्ड ने अप्रूव किया तो 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बोनस कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे शेयर्स. लेकिन अगर शेयर होल्डर अप्रूवल की जरूरत है, अगर शेयर होल्डर अप्रूवल की जरूरत है, तो बोर्ड के अप्रूवल कंप्लीट होने के, बोर्ड के अप्रूवल मिलने के 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, बोनस शेयर बांटने पड़ जाएंगे. दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू. बताइए जी, क्लियर हुआ? तो एक बार दोबारा देखते हैं रेगुलेशन 92 में क्या लिखा है. रेगुलेशन 92 में तो वही कंडीशंस लिखी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 63 में लिखी गई हैं. रेगुलेशन 93 में क्या लिखा है, रेगुलेशन 93 कहती है कि अगर कोई भी कंपनी का कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उन कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स को भी बोनस मिलेगा, वो भी बोनस का ऑप्शन ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ देयर कन्वर्जन. और रेगुलेशन 94 में लिखा है कि जो भी कंपनी के फ्री रिजर्व्स होंगे, फ्री रिजर्व्स में हमेशा जेन्युइन प्रॉफिट्स होने चाहिए. मतलब जेन्युइन प्रॉफिट्स का मतलब उसमें कोई भी अनरियलाइज्ड गेन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी नोशनल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और उसमें कोई भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नहीं होने चाहिए. अगला, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी होगा हमारा वो कैश कलेक्टेड ही होना चाहिए. रेगुलेशन 95 में लिखा है कंप्लीशन ऑफ द बोनस इशू. बोनस इशू कब कंप्लीट रहेगा, बोनस इशू बोर्ड के अप्रूवल मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बोनस इशू कंप्लीट करना पड़ेगा इफ शेयर होल्डर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, और 2 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा इफ शेयर होल्डर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. क्लियर जी? दीज आर योर सेबी रेगुलेशंस, ये सेबी की रेगुलेशंस होती है. लास्ट जो हमारा मेन मुद्दा है, दैट इज योर
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि सर हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। देखो अकाउंटिंग में इसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें प्रोविजन ही थोड़ा ध्यान रखने थे। अगर आपको प्रोविजन समझ में आ गए तो अकाउंटिंग एंट्री अपने आप ही समझ में आ जाएंगी आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, हमने डिस्कस किया कि सर दो तरीके से बोनस हो सकता है, दो तरीके से बोनस हो सकता है, या तो बोनस शेयर होगा। बोनस शेयर का मतलब क्या हो गया, फ्री शेयर, कंपनी फ्री में शेयर बांट रही है। या मैंने एक बताया था आपको बोनस कॉल भी हो सकती है, बोनस कॉल। बोनस कॉल का मतलब क्या होता है, वेवर ऑफ कॉल, कि शेयर होल्डर से कॉल मनी लेनी है लेकिन हमने कॉल मनी को क्या कर दिया, वेव कर दिया, या इसको बोलते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू फुली पेड, ये भी एक तरीके से बोनस ही होता है। भैया देखो ना, अगर हमें किसी से कोई पैसा लेना है, अगर हमें किसी से कोई पैसा लेना है, कंपनी को शेयर होल्डर से कॉल मनी लेनी है, लेकिन कंपनी उनको बोल रही है कि तुम कॉल मनी मत दो, मैं अपने आप ही आपके शेयर को कन्वर्ट कर रही हूं इन द फुली पेड, तो कंपनी ने एक तरीके से उनको भी तो बेनिफिट पहुंचा दिया, उनको भी तो बोनस दे दिया कि तुम्हें कॉल मनी देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली योर शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू फुली पेड। तो बोनस शेयर भी हो सकता है और बोनस कॉल भी हो सकता है, लेकिन एंट्री में फर्क पड़ेगा, क्योंकि बोनस शेयर के केस में हमारे पास तीन चीजें हैं, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व, लेकिन बोनस कॉल के केस में, वेवर ऑफ कॉल के केस में हमारे पास दो ही चीजें, दैट इज योर फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी, तो क्या इसकी अकाउंटिंग रहेगी, देखो पहले बोनस इश्यू की अगर मैं बात करूं तो बोनस इश्यू, बोनस शेयर के केस में पहली एंट्री विल बी, सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे सीआरआर को, क्योंकि इसका तो यूज सिर्फ बोनस इश्यू के लिए ही रहता है। सीआरआर के बाद रहेगा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम, सर कैश कलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद हमारे फ्री रिजर्व में, जिसमें आता है जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट, तो यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है, पहले सीआरआर, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, देन जनरल रिजर्व, देन पीएनएल अकाउंट। टू, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, नरेशन विल बी बीइंग बोनस इशू सैंक्शंड, बीइंग बोनस इशू सैंक्शंड। ये एंट्री क्या बता रही है कि सर बोनस हमने सैंक्शन कर दिया है, और शेयर इशू करने की एंट्री क्या रहेगी, बोनस टू शेयर होल्डर, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बोनस टू शेयर होल्डर्स को हम डाल देंगे किसमें, हमें अपनी शेयर कैपिटल बनानी है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज योर बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बींग बोनस शेयर्स इशूड। ओके बच्चों, वेवर ऑफ कॉल के केस में, वेवर ऑफ कॉल के केस में क्या एंट्री रहेगी, सिर्फ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर यूज हो सकता है, आंसर इज नो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, आंसर इज नो, जनरल रिजर्व और पीएनएल ही यूज हो सकते हैं, तो हम यूज करेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, और याद रखना जनरल रिजर्व पीएनएल में हमेशा जेन्युइन प्रॉफिट्स ही होने चाहिए, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बीइंग बोनस इशू सैंक्शंड, लेकिन मेंशन कर देना बाय कन्वर्टिंग, अब ये शेयर नहीं मिल रहे यहां पर, वेव हो रही है कॉल, That is by converting partly paid up shares into fully paid up, partly paid up shares into fully paid up. Next entry क्या बनेगी? Next entry, अब final call, जो भी call थी हमारी उस call को due करते हैं, that is share. फाइनल कॉल, देखो कॉल के बदले में ये तो आ रहे हैं, तो कॉल मनी ड्यू तो करनी पड़ेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। और अब क्या करेंगे हम, इस फाइनल कॉल की मनी की जगह, देखो हम
अगर नॉर्मली फाइनल कॉल ड्यू करो तो कैंटी डालते हो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। अब बैंक में कोई पैसा नहीं आ रहा, बैंक की बजाय भी हमने क्या करा है सर, कॉल को वेव ऑफ कर दिया, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, यहां से एडजस्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल एडजस्टेड, बीइंग फाइनल कॉल एडजस्टेड। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। सो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज है जो कि आपको पास करके चलनी है। तो चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, दो एंट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी इसके छोटे छोटे से ही हैं। तो ये हमारा इसका एक बेसिक कंसेप्ट था अबाउट बोनस इश्यू का, कंपनीज एक्ट सेक्शन 63 एंड सेबी की रेगुलेशन, और ये इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है जी। चलो अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हैं इसके। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं एक बार बोनस इश्यू के। देखिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 6 नंबर का पोर्शन इसमें से आ जाता है, तो 4 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। चैप्टर बहुत आसान है, छोड़ने का कोई भी मतलब नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फॉलोइंग आइटम्स अपियर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2018। ये हमारे पास आइटम्स है, क्या क्या दे रखा है, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ही, 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर दे रखे हैं। CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दे रखा है हमें कितने रुपए का, 55,000 रुपीज का। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमें कितना दे रखा है जी, 30,000 रुपीज का। कलेक्टेड इन आगे देखिए, कलेक्टेड इन कैश, ठीक है जी। तो ये पॉइंट इसने क्लियर कर दिया है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है दैट इज कलेक्टेड इन कैश। तो क्या मैं पूरा यूज कर लूंगा, आंसर इज पूरा यूज कर लूंगा। CRR यूज कर सकता हूँ, CRR भी यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व 1,05,000 रुपए का, सरप्लस दैट इज PNL अकाउंट इज 50,000 रुपीज का, ठीक है। ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की, CRR 55, सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 एंड जनरल रिजर्व 1,05,000 एंड PNL अकाउंट इज 50,000। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 share फॉर एवरी 4 share हेल्ड, एंड फॉर दिस पर्पज इट डिसाइड दैट देर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी। वो कह रहा है 1:4 का बोनस है और देर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, वो तो वैसे भी हम करके चलेंगे। मतलब पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, पहली प्रेफरेंस CRR को, दूसरी सिक्योरिटी प्रीमियम को और तीसरी फ्री रिजर्व को। अब सबसे पहले हमें देखना है कि बोनस का अमाउंट कितना रहेगा। वो कह रहा था कि बोनस इज 1:4 की रेशियो में, तो 4 लाख का 1:4 तो कितना हो गया जी, बोनस का अमाउंट हो गया हमारा 1 लाख। बोनस का कितना अमाउंट हो गया हमारा, 1 लाख, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज डालते हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 1, क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री बोनस अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख के लिए पैसा कहां कहां से आएगा, 1 लाख के देखो 55,000 ये तो पूरा यूज हो जाएगा CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम 30 ये पूरा यूज हो जाएगा, और फ्री रिजर्व में से हम यूज करेंगे कितना, 15,000 किसमें से यूज कर लेते हैं, जनरल रिजर्व में से यूज कर लेते हैं। तो मैं एंट्री डालूंगा CRR अकाउंट डेबिट 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 30,000, और जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं कितना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1 लाख, बीइंग बोनस इशू सैंक्शंड, बीइंग बोनस इशू सैंक्शंड, एंड सेकेंड एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल 1 लाख, बींग बोनस शेयर्स इशूड। ओके जी, चलो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। क्या दे रखा है हमें? ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए की। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल दे रखी है प्रेफरेंस की 1 लाख रुपए, और ये इक्विटी का ये वाला अमाउंट है इक्विटी की 10 लाख रुपए। इशूड एंड सब्सक्राइब 8,000, प्रेफरेंस शेयर 80,000 रुपए और 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 8 पेडअप, 10 रुपए का शेयर है 8 रुपए पेडअप है 7,20,000 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा है 1,60,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 35। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज हो सकता है? पूरा यूज हो सकता है। पीएनएल अकाउंट इज 2,05,000। ओके जी, सिक्योर्ड लोन में हमारे पास 12% डिबेंचर्स है 5 लाख रुपए के। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2018 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल को कंपनी ने कॉल करी, क्योंकि शेयर्स क्या थे? शेयर्स थे पार्टली पेड, तो पार्टली पेड के केस में हमें पहले उसे फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन इशू बोनस शेयर्स। द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज द रिजर्व्स। कैपिटलाइज द रिजर्व का मतलब क्या होता है जी? कैपिटलाइज द रिजर्व का मतलब हुआ बोनस इशू एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, यानी कि 1:4 की रेशियो में हमने बोनस इशू किया। शो द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द बोनस इशू, एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन एट द जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है जी, अब देखते हैं, हो सकता है ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ानी पड़ जाए। ठीक है जी, पहले तो मुझे बोनस का अमाउंट बताओ, बोनस का अमाउंट बताओ। इक्विटी शेयर्स कितने हैं जी? 90,000 इक्विटी शेयर्स है। वो कह रहा है 1:4, क्या कह रहा है जी? 1:4 की रेशियो है, तो 90,000 का 1/4 तो कितना हुआ? 22,500, 22,500 के हमारे क्या हैं? बोनस शेयर्स है, 22,500 बोनस शेयर्स हैं। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी जी, डेट वाइज कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2018 को पहले कंपनी क्या करेगी? कॉल करेगी, दैट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 90,000 शेयर्स पे 2 रुपए मंगाने हैं, तो 1,80,000 बींग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद वो क्या कह रहा था बताओ जी? वो कह रहा था फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन कब? फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल को फाइनल कॉल भी रिसीव हो गया, तो 20 अप्रैल को एंट्री डालते हैं फाइनल कॉल रिसीव होने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 1,80,000 बींग फाइनल कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है जी, उसके बाद वो क्या कर रहा था? द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज द रिजर्व। उसके बाद कंपनी ने क्या करा, हम मान के चलते हैं सारा काम सेम डेट पे ही हो गया। कंपनी ने अब बोनस इशू किया, बोनस इशू कितना? 22,500 शेयर्स पे, 22,500 शेयर्स का बोनस इशू निकाला है, 22,500 शेयर्स का निकाला है, 1 शेयर 10 रुपए का है, तो 2,25,000। अब 2,25,000 रुपए के लिए सबसे पहले कंपनी क्या देखेगी? सबसे पहले देखेगी क्या कोई CRR है, क्या कोई CRR है? आंसर इज नो, देर इज नो CRR। तब क्या करें? अगली प्रेफरेंस दे देंगे हम किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, तो पहले करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट क्या पूरा यूज कर लूं? सर यस पूरा यूज कर लो, क्योंकि पूरा रियलाइज्ड इन कैश है। 20,000 यहां से आ गया, अब कितना बचा? 2,25,000 में से 20,000 गए, बताओ भी 2,05,000 रुपये। 2,05,000 रुपये कहाँ से लें? 2,05,000 रुपये कहाँ से लें? देखो पीएनएल अकाउंट में 2,05,000 रुपये हैं, और जनरल रिजर्व में कितने हैं? जनरल रिजर्व में हमारे पास है 1,60,000। तो पहले हम लेंगे जनरल रिजर्व से, पहले किसके लेंगे? जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 1,60,000। अब देखो कितना चाहिए, हमें चाहिए 45,000। तो पीएनएल अकाउंट से कितना ले लेंगे हम? 45,000। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,25,000 बींग बोनस इशू सैंक्शंड। अब उसके बाद क्या होगी? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 225 बींग बोनस इशूड। अब इसमें एक और रिक्वायरमेंट थी कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट बनानी है आपको, तो बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ, क्या कंपनी का नाम क्या था? बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम था बच्चों बताओ, सॉलिड लिमिटेड एक्सट्रैक्ट है ये, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू। बोलो जी। ऑथराइज्ड कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स की ऑथराइज कैपिटल वो तो एज इट इज ही रहेगी, कितनी थी? 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये तो पूरी होगी 1,00,000। इक्विटी कितनी है जी? इक्विटी है 1,00,000, यानी कि 10,00,000 रुपए की है। अभी हम इक्विटी की प्रेफरेंस ऑथराइज लिखने से पहले इशूड पर आ जाते हैं। इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप, ध्यान से बताना। प्रेफरेंस तो ऐसी रहेगी, यानी कि 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, ये कितनी रहेगी? ये होगी आपकी 80,000। लेकिन इक्विटी में चेंज आएगा। इक्विटी में क्या चेंज आएगा सर? 90,000 तो पहले से शेयर्स थे और 22,500 शेयर हमने और इशू कर दिए। 90,000 पहले से थे और 22,500 और इशू कर दिए, तो कितने हो गए? 1,12,500। कितने हो गए जी? 1,12,500। तो लिखेंगे क्या हम? 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। सर पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट कर चुका हूं मैं, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 11,25,000। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि सर ऑथराइज तो अभी भी इतनी है 10,00,000 रुपए। अब ऑथराइज से ऊपर चलेगी हमारी क्या? ऑथराइज ऊपर चलेगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो हमें ऑथराइज कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज्ड करना पड़ेगा। तो लिखूंगा क्या मैं? ऑथराइज कैपिटल कितनी इंक्रीज करूंगा? वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल
पहले कितनी थी? एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी? एग्जिस्टिंग कैपिटल थी सर, कितने थे? 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो होगी हमारी 10 लाख। वो क्या कह रहा था, कितने परसेंट इंक्रीज करनी है? वो कह रहा है जितने परसेंट का बोनस इशू लेके आए हो उतने परसेंट से आपको ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। आप बोनस इशू कितने परसेंट का लेके आए हो? आप लेके आए हो 1/4 का, तो यानी कि 25% ही आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। 25% इंक्रीज किसका? 25%, 25% 10 लाख का, यानी कि 25,000 शेयर आपको और इशू करने पड़ेंगे ऑफ 10 ईच, क्योंकि आपका 2,50,000। तो नाउ योर ऑथराइज कैपिटल विल बी 12,50,000। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी ऑथराइज कैपिटल अब कितनी हो जाएगी? 1 लाख, 1,25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, क्योंकि आपका 12,50,000। और ये कितनी आती है आपकी? ये आती है आपकी इंटू 10 प्लस 80,000, 12,05,000। ठीक है जी, 12,05,000। अब हम एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसके नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं, अगले पोर्शन पे आओ। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चेंज आएगा जी? रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोलो क्या जनरल रिजर्व में कुछ काम हुआ था? सर पूरे जनरल रिजर्व यूज हो गए तो जनरल रिजर्व अब नहीं रहेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने यूज नहीं किया क्योंकि यूज नहीं कर सकते, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व एज इट इज रहेगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व विल रिमेन एज इट इज, कितना? पूरा 35,000 रुपये एज इट इज रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज़ कर चुके, और पीएनएल अकाउंट हमने कितना यूज़ किया था ऊपर एंट्री में चेक करो। पीएनएल अकाउंट हमने यूज़ किया था 45,000 का, 45,000 का पीएनएल अकाउंट यूज़ किया था। तो 2,05,000 में से हम 45,000 यूज़ कर चुके हैं माइनस 45,000, तो ये कितना बचा? -45,000, 1,60,000, 1,60,000। तो ये कितने रिजर्व रह गए? 1,95,000, और तो कुछ नहीं था रिजर्व में। ठीक है, सिक्योर्ड लोन ये एज इट इज रहेगा। सिक्योर्ड लोन 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, कितना? ये आपका आ जाएगा पूरा 5 लाख। क्लियर है जी? तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट भी था, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको आना चाहिए। ओके जी, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पढ़ो ध्यान से। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018। क्या क्या दे रखा है? ऑथराइज कैपिटल 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 16,50,000 इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में आपको क्या दे रखा है? 12,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1,20,000 एंड 1,35,000 ₹8 पेड अप। जनरल रिजर्व दे रखा है, क्या जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं? आंसर इज यूज कर सकते हैं। सीआरआर दे रखा है, सीआरआर यूज कर सकते हैं? आंसर इज यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश पूरा यूज हो सकता है, सेकंड प्रेफरेंस। पीएनएल अकाउंट यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो थर्ड प्रेफरेंस जनरल रिजर्व एंड फोर्थ प्रेफरेंस विल बी पीएनएल अकाउंट। ऑन 1 अप्रैल 18 द कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच ऑन 1,35,000 शेयर। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल। देयर आफ्टर कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज द रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन 30 अप्रैल 18 आफ्टर बोनस इशू। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, सिर्फ एक इसमें फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सीआरआर नहीं था, इसमें सीआरआर है, तो सीआरआर पहले यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद घर पे ट्राई कर लेना है, ठीक है जी? तो मैं इसको नहीं करा रहा, ये आपको खुद करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर।
फॉलोइंग आइटम्स अपियर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड, क्या क्या दे रखा है हमें, 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 4,50,000, ठीक है जी। CRR यूज हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, बिल्कुल हो जाएगा। जनरल रिजर्व हो सकता है, PNL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 share फॉर एवरी 3 हेल्ड। कंपनी डिसाइड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द रिजर्व पास द जर्नल एंड इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड, ये भी हो जाएगा। देखो कितना बोनस आएगा, वो कह रहा है 45,000 का 1:2 through, 45,000 का 1:3, तो कितनी होंगी सर, 15,000 शेयर्स हम बोनस इशू कर सकते हैं, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। 15,000 शेयर यानी कि 15,000 × 100 तो कितना हो गया, 1,50,000। 1,50,000 के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले CRR यूज़ कर लेंगे, CRR के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लेंगे, तो 1,10,000 तो यहीं से ही हो गया। उसके बाद 40,000 हम कहाँ से यूटिलाइज कर लेंगे, जनरल रिजर्व से यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये एंट्री आपका नॉर्मल है, जो क्वेश्चन हमने वन किया था बिल्कुल उस तरीके से ही है। क्लियर है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आप लोगों का हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट ऑन 31st March 2018, क्या क्या दे रखा है आपको, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड 20 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट इज 20,000 lakhs, इशूड सब्सक्राइब में 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ₹10,000 एंड 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच ₹2,000 lakhs, कॉल्ड अप एंड पेड अप में 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 पर शेयर कॉल्ड अप, ठीक है जी, पार्टली पेड अप है तो फुली पेड में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस में CRR दे रखा है, यूटिलाइज हो सकता है, सबसे पहले यूटिलाइज होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है ये हो जाएगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 1,040, ये भी हो सकता है, और PNL अकाउंट का बैलेंस है 273, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। On 2nd April 2018, the company has made the final call on equity share of ₹2 per share. The entire money was received on April 18, in the month of April 18. On 1st June, the company decided to issue equity shareholders bonus share at the rate of 2 share for every 5 held. हर दो के बदले में 5, मुझे बताओ कितना बोनस रहेगा, हर दो के बदले में 5, तो 10 करोड़ शेयरहोल्डर्स को 2 के बदले में 5 एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5, ठीक है, 5 के बदले में 2, हर 5 के बदले में 2, तो 2/5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 करोड़ हो गया, ठीक है जी। तो 4 करोड़ क्या हो रहे हैं हमारे, बोनस इशू हो रहे हैं। पास द जर्नल एंट्रीज इन द अबव ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स ऑन द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस रेलेवेंट टू द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द बोनस इशू, ठीक है जी। ये नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हो गया आपका फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताओ जी, पहली एंट्री कौन सी डेट पे, 2nd April 2018 को पहले हम फाइनल कॉल करेंगे, दैट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 10 करोड़ शेयर होल्डर से हमें कितने मंगाने हैं जी, 10 करोड़ शेयर होल्डर से हमें मंगाने हैं ₹2 per share। और ये क्वेश्चन आपका किसमें चल रहा है जी, रुपीज इन लैक्स में चल रहा है, ठीक है जी। तो रुपीज इन लैक्स, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रुपीज इन करोड़ में चला लेता हूं, एक ही बात है, तो 10 करोड़ ये तो 20 सीआर आ जाएगा, 20 करोड़ या रुपीज इन लैक्स में चलाएं तो कितना बनेगा, ये 20 करोड़
2000 लैक्स, अगर मैं इसको रुपीज़ इन लैक्स में चलाऊं, इसको रुपीज़ इन लैक्स में चलाऊं तो ये बनेगा आपका 2000 लैक्स बींग फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द अप्रैल पैसा आ गया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000 लैक्स बींग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बींग फाइनल कॉल रिसीव्ड। उसके बाद वो कह रहा था कौन सी डेट पे, फर्स्ट जून को 2:5 का बोनस इशू आया, फर्स्ट जून को 2:5 का बोनस इशू आया। 2:5 यानी कि हमने अभी निकाला, 2:5 का मतलब क्या हुआ, 4 करोड़। तो 4 करोड़ × 10, 4 करोड़ × 10 तो कितना हो गया, 40 करोड़, यानी कि 4000 लैक्स। अब 4000 लैक्स का पैसा आएगा कहां से, सीआरआर पूरा हमें कितना चाहिए, 4000 लाख चाहिए, तो सीआरआर तो पूरा हो गया, सीआरआर अकाउंट डेबिट यानी कि 1485 पूरा। सीआरआर के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 पूरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000 पूरा। अब देखो कितना रह गया, 4000 माइनस 1485, 4000 माइनस 1485 माइनस 2000, 515। 515 कहाँ से लेके आऊँ जी, जनरल रिजर्व से लेते हैं, नहीं जनरल रिजर्व में भी पूरा बैलेंस है, जनरल रिजर्व 1040 का, तो जनरल रिजर्व को यूज़ कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना आ गया जी, 515। ओके जी, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 4000, बींग बोनस इशू सैंक्शंड, बींग बोनस इशू सैंक्शन। और उसके बाद अगली एंट्री, दैट इज योर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 4000 लैक्स बींग बोनस शेयर्स इशूड, बींग बोनस शेयर इशूड। ठीक है जी, बताइए जी, क्लियर। अगली नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहां निकाल लेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल की इंक्रीज। ठीक है जी, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, इसको लिखते हैं आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू। बताओ जी क्या क्या था बैलेंस शीट में, ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल में 20 करोड़, 20 करोड़ की क्या है हमारी, बताइए जी 20 करोड़ की हमारी क्या है, शेयर कैपिटल। मुझे बताइए ऑथराइज से पहले के बाद में पहले पहले लिख देता हूँ, इशूड सब्सक्राइब्ड, अब कॉल्ड अप पेड अप तो सेम ही है सब कुछ, क्योंकि मैंने फुली कॉल कर लिया था, इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप पेड अप इकट्ठे ही लिख लेता हूँ। बताइए जी
10 करोड़ तो पहले से ही थे इक्विटी शेयर्स, और हमने कितने इशू करे, 4 करोड़ और इशू कर दिए, तो कितना हो गया जी, 14 करोड़। तो लिखूंगा मैं 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ, 14 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 14 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 14,000 लैक्स, 14,000 लैक्स, ये भी रुपीज इन लैक्स में चल रही है हमारी, तो 14,000 लैक्स। उसके बाद कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी दे, 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, टू करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कितने ईच है ये, 10 ईच, तो हो गया 2,000 लैक्स, 2,000 लैक्स तो ये हो गया, ठीक है जी। अब मुझे बताओ 14 करोड़ हमारी इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, और ऑथराइज कितनी है, अभी भी ऑथराइज है 10 करोड़ की, तो हमें ऑथराइज को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कितनी है जी, 10 करोड़ इंटू 10, दैट इज रुपीज 10,000 लैक्स, ऐड करोगे इंक्रीज, इंक्रीज कितने से, जिस प्रपोर्शन में बोनस इशू हुआ था, बोनस इशू हुआ था 2/5, तो दैट इज 2/5 ऑफ 10 करोड़ इंटू 10, तो 2/5 ऑफ 10 करोड़ कितना हो गया जी, 4 करोड़, हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 लाख, 4,000 लाख से ये भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो कितना हो गया ये 14,000 लैक्स, ये भी हो जाएगी हमारी, तो यानी कि ऑथराइज कैपिटल भी कितनी होगी, 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, होगी हमारी 14,000 लैक्स। ओके बच्चों, इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चेंज आएगा, सीआरआर खत्म हो गया था पूरा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी खत्म हो गया था, जनरल रिजर्व में कुछ बैलेंस बचा था, जनरल रिजर्व कितना बचा था, 1040 में से हमने ऊपर देखो कितना यूटिलाइज किया, 515 यूटिलाइज कर लिया, तो 1040 माइनस 515, तो कितना बच गया ये, 525 ये हो गया। उसके बाद पीएनएल अकाउंट कितना, 273, पीएनएल अकाउंट इज 273, ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, क्लियर है जी, हाँ जी, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज एट 31st March 2018, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्या क्या दे रखा है हमें, ऑथराइज कैपिटल में 30,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, 3 लाख रुपए के, और 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ये आपके हो गए 30 लाख रुपीज के। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड में 24,000 प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं 10 ईच फुली पेड अप 240 के, और 270,000 इक्विटी शेयर ऑफ 8 पेड अप
260K, ठीक है जी, पार्टली बेड अब है तो फुली बेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व 360, अभी देखते हैं कैपिटल रिजर्व पे। सीआरआर यूज हो सकता है, सीआरआर यूज हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000 कलेक्टेड इन कैश यूज हो सकता है। पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है 6 लाख रुपए यूज हो सकता है, देखते हैं कितना रिक्वायरमेंट है। ऑन 1st April 2018 द कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच ऑन 270,000 इक्विटी शेयर। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20th April 2018, ठीक है जी। नॉर्मल एंट्री है, फाइनल कॉल करी और पैसा रिसीव हो गया। द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 share for every 4 held, 1:4 की रेशो में। हाँ जी, किस रेशो में? 1:4 की रेशो में। तो 270,000 का 1:4 चेक करो कितना होता है, 270 का 1:4 ये आपका होता है 67,500 बोनस शेयर इशू हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं जी? 67,500 बोनस शेयर इशू कर रही है कंपनी। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। अब बात आती है सर, अच्छा ये जनरल रिजल्ट था, ठीक है तो पूरा हो जाएगा, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, इसमें तो कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, ये आपका होमवर्क है, खुद कर लेना, ठीक है जी। अभी तक जो कर रहे हैं क्वेश्चंस बिल्कुल सेम सेम चलते आ रहे हैं। ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015। क्या क्या दे रखा है? 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज 6 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर है। सीआरआर 45,000 यूज हो सकता है। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज हो सकता है? आंसर इज नो, रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉट टू बी यूज्ड। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस यूज हो सकता है। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 37,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अगर याद हो तो पॉइंट क्या था, कैपिटल रिजर्व वही वाला यूज कर सकते हो जो एसेट को बेचकर आया है। तो एसेट को बेच के कितना आया है? 37,500। तो 1,12,500 में से सिर्फ 37,500 को ही यूटिलाइज कर सकते हैं हम। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 52,000 कलेक्टेड इन कैश, तो पूरा यूज हो सकता है। जनरल रिजर्व 150 भी यूज हो सकता है। द कंपनी डिसाइड टू इशू बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 share for every 4 held, तो 1:4, तो इसका 1:4 कितना हो गया जी? 15,000। तो 15,000 बोनस शेयर यूज हो सकते हैं। मुझे बताओ 15,000 × 100 तो कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? 1,50,000। 1,50,000 कहाँ से आएगा? 45,000 रुपये तो सीआरआर से आ गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम से आ गया 52,500। उसके बाद 37,500 का कैपिटल रिजर्व यूज कर लो, तो 45,000 ये हो गया, 52,500 सिक्योरिटी प्रीमियम और 37,500 का हमने कैपिटल रिजर्व यूज कर लिया, 90,000 बचा। कितना? 60,000। तो 60,000 मैं कहाँ से ले लूंगा जी? जनरल रिजर्व से ले लूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज एंड इट शुड डिजायर दैट देर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद कर सकते हो ट्राई, होमवर्क। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम से आते जा रहे हैं। ओके जी, चलो एक क्वेश्चन मेरे को आपको कराना है और दो होमवर्क देने हैं अभी भी। क्वेश्चन नंबर 8th पे भी आते हैं, 8th में आपको कराऊंगा, 9th पे आ जाओ। फॉलोइंग आइटम्स अपियर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ बीटा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। 3,000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं, 100 इज 3 लाख रुपए। सीआरआर यूज हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, जनरल रिजर्व भी यूज हो सकता है। द कंपनी डिसाइड टू इशू इक्विटी शेयर टू बोनस एज बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 share for every 3 held, 1:3, यानी कि 1,000 शेयर क्या होंगे? बोनस। 1 share ₹100 का, तो कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? 1,00,000 रुपए की। तो 1,00,000 रुपए कहाँ से आएंगे? 1,00,000 रुपए 30,000 सीआरआर, 40,000 प्रीमियम और बाकी बचा जनरल रिजर्व से। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज एंड इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड। बेसिक क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका, ये भी आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10th भी देख लेते हैं। 10th में क्या है? इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स का हमें कुछ नहीं करना। 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 8 rupees पेड अप, 8,00,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 8 रुपए पेड अप, पार्टली पेड अप है तो फुली पेड में कन्वर्ट कर लेंगे। जनरल रिजर्व 240, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 और पीएनएल अकाउंट इज 1,20,000। तो जनरल रिजर्व यूज हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है, पीएनएल भी यूज हो सकता है। ऑन 1st April द कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल ऑफ 2 each ऑन 1,00,000 शेयर्स। फाइनल कॉल करी और कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 15th April। 15th April को कॉल मनी भी रिसीव हो गई। Thereafter, company decide to issue bonus shares to equity shareholders at the rate of 1 share for every 5 held, 1:5। तो 1:5 किसका? 1,00,000 का। तो 1,00,000 का 1:5 हो गया 20,000 shares। तो 20,000 shares bonus हैं। तो 20,000 into
सौ, यानी कि 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 2 लाख रुपए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर पीएनएल अकाउंट, देख लेना जिस भी ऑर्डर में बनती हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज। ये क्वेश्चन भी आपका एब्सोल्यूटली सिंपल होमवर्क में आ गया, ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी, मार्क कर लीजिएगा इसे। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ वाई वाई लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015। ऑथराइज कैपिटल में आपको दे रखी है 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, देन 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है जी। इशूड सब्सक्राइब में 12,000 इशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 1,35,000 10 ईच 8 रुपी पेड अप, ठीक है जी। 10,80,000 रुपए की हमारी क्या है, पेड अप कैपिटल है, तो फाइनल कॉल नहीं करिए, फाइनल कॉल कर देंगे। जनरल रिजर्व 1,80,000 का यूज हो सकता है, सीआरआर यूज हो सकता है, कैपिटल रिजर्व अभी अंडरलाइन करना, सिक्योरिटी प्रीमियम भी अभी अंडरलाइन करो, यहां पर कुछ नहीं लिखा तो देखते हैं, क्या पता नीचे कुछ लिखा हो, और पीएनएल अकाउंट भी यूज हो सकता है। सिक्योर्ड लोन में 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच 750। कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या पॉइंट था, मैंने बताया था कन्वर्टिबल डिबेंचर के पास भी बोनस का ऑप्शन मिलेगा जब वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कराएंगे इन द शेयर्स, तो उनका ऑप्शन खुला रहता है बोनस शेयर्स का। 1 अप्रैल 15 को कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2015, ठीक है जी। देर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, 1:4, बताइए जी, 1:4, तो 1,35,000 का 1:4, 1,35,000 का 1:4, ये हो गया 33750, 33750, इतने शेयर्स हमें बोनस इशू करने हैं, ये हमारे बोनस शेयर्स निकल के आते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 37,500 इंक्लूड्स 7,500 फॉर द शेयर्स इशूड टू वेंडर इन परसुएंट ऑफ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन, हाँ जी, क्या 7,500 कैश रियलाइज प्रॉफिट है, क्या 7,500 कैश रियलाइज प्रीमियम है या नहीं, सोच के बताओ। वो कह रहा है 37,500 का जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसमें 7,500 ऐसा सिक्योरिटी प्रीमियम है जो हमने अपने वेंडर्स को इश्यू किया है इन द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब होता है किसी का बिजनेस हमने खरीद लिया या किसी के साथ अपना बिजनेस मर्ज कर दिया, तो जिससे आपने बिजनेस खरीदा होगा उसको आपने क्या करा होगा, कुछ कंसिडरेशन पे करी होगी, और कंसिडरेशन होती है शेयर्स की फॉर्म में पे, आपने उसके सारे एसेट्स ले लिए और बदले में आपने अपने शेयर इशू कर दिए और प्रीमियम पर इशू कर दिए, तो क्या उस प्रीमियम में आपको कोई कैश मिला है, आंसर इज नो, बदले में तो एसेट्स आया, तो वो 7,500 का प्रीमियम आपका कैश कलेक्टेड नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इस 37,500 में से 7,500 का प्रीमियम मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, यानी कि इसमें से कितना यूज हो सकता है, ओनली एंड ओनली 30,000 ही यूज हो सकता है क्योंकि वो कैश रियलाइज है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व इंक्लूड, कैपिटल रिजर्व इंक्लूड, इसको 60,000 कर देना, कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल रिजर्व कितना है, वो कह रहा है इसमें से 60,000 प्लांट एंड मशीनरी को बेच के आया है, तो सिर्फ 60,000 ही आप यूज कर सकते हो, सिर्फ 60,000 यूज कर सकते हो। बताया था पॉइंट कि कैपिटल रिजर्व कौन से वाला यूज होगा, जो आपको एसेट बेच के रियलाइज हुआ है, क्योंकि वो भी सर एक्चुअल गेन होता है। उसके बाद 20% ऑफ द 12% डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप ऑन 1 जून। वो कह रहा है जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसके 20% शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 जून को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 जून को 20% वालों को भी बोनस शेयर मिलेंगे, 1 जून को 20% डिबेंचर होल्डर्स को भी क्या मिलेंगे, बोनस शेयर मिल जाएंगे, उनके लिए ऑप्शन खुली रहेगी। शो द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द बोनस इशू। बोनस इशू के बाद आपको एक्सट्रैक्ट बनाना है, बट बिफोर द कन्वर्जन, अभी कन्वर्जन नहीं हो रही है, ठीक है जी। आर द कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स आर एंटाइटल टू द बोनस शेयर्स, ठीक है जी, हम आंसर देंगे यस। तो इसको करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। पहले जर्नल एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ वाई वाई लिमिटेड जर्नल।
पहली एंट्री कौन सी डेट पे थी? फर्स्ट अप्रैल 15 को हमने कॉल करी, फर्स्ट अप्रैल 15 को हमने फाइनल कॉल ड्यू करनी है पहले, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,35,000 शेयर्स पे 2 रुपये, 1,35,000 इंटू 2 कितना हो गया 2,70,000 बींग बींग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1,35,000 शेयर्स। उसके बाद ये कॉल मनी रिसीव कब हुई थी? ये रिसीव हुई थी हमें 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल 15 को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000। योगी बींग फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा था कि देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स, तो हम मान के चलते हैं सेम डेट पे ही 20 अप्रैल को ही कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे। अब मुझे बताइए कितने बोनस शेयर्स थे? 33,750 शेयर्स बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, तो 3,37,500 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। 337,500 के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? सबसे पहले CRR यूज़ कर लो, सबसे पहले CRR यूज़ कर लो, CRR अकाउंट डेबिट कितने से 30,000 रुपये हैं। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लो, 37,500 में से सिर्फ 30,000 ही यूज़ हो सकता है, सिर्फ 30,000 ही यूज़ हो सकता है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000। उसके बाद था हमारा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना था? 1,12,500 में से सिर्फ 60,000 यूज हो सकता है, तो 60,000 का कैपिटल रिजर्व भी यूज कर लो। अच्छा हमें बोनस चाहिए कितना? बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स दैट इज 33,750 इंटू 10, तो 3,37,500। अब देखो पैसे की कमी, रिक्वायरमेंट देखो कहाँ कहाँ से पूरी करेंगे। 337,500 में से 30,000 CRR, 30,000 प्रीमियम, एक मिनट, 337,500 माइनस 30,000 प्रीमियम और 60,000 का कैपिटल रिजर्व 2,17,500, 217,500। तो जनरल रिजर्व में कितना है? 180 है, तो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व ले जाओ, जनरल रिजर्व 180। और पीएनएल अकाउंट में से कितना लोगे आप? 37,500 पीएनएल अकाउंट से ले लोगे, पूरा पैसा पड़ा है पीएनएल अकाउंट में 270। तो पीएनएल अकाउंट कितना ले लोगे आप? 37,500 बींग बोनस इशू, बींग बोनस इशू सैंक्शंड, ठीक है जी। उसी के बाद, उसके बाद क्या एंट्री बनेगी आपकी? बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,37,500। बींग बोनस शेयर्स इशूड, बींग बोनस शेयर्स इशू, ठीक है जी।
ये हमारी एंट्रीज थी बोनस इशू की। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, एक तो उसने मांगा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ वाई वाई लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू, अभी कन्वर्जन नहीं हुई है, बोनस इशू के बाद मांगा, आफ्टर बोनस इशू। अगर कन्वर्जन हो जाती तो कन्वर्जन की एंट्री भी कर लेते, बोनस इशू बनाओ जी। बताओ जी क्या क्या था, एक तो हमारी थी ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या हमें ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी, अभी देख लेते हैं। पहले तो प्रेफरेंस शेयर वाली लिख देता हूँ, 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये कितना हो गया 1,50,000। उसके बाद इक्विटी के लिए जगह छोड़ते हैं, पहले लिखते हैं इश्यूड सब्सक्राइब्ड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बताओ जी इश्यूड सब्सक्राइब में क्या आएगा, पहले तो प्रेफरेंस लिख देते हैं 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये हो गया आपका 1,20,000। उसके बाद इक्विटी शेयर 1,35,000 तो पहले से ही थे, 1,35,000 तो पहले से ही थे, और 37,500 आपने और इशू कर दिए प्लस 37,500, तो ये कितने हो गए 1,72,500, 1,72,500 इक्विटी शेयर और हो गए, टोटल हो गए 1,72,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये कितना हो गया 17,25,000 17,25,000, नहीं गलत हो गया, 135 प्लस 33750 ये होगा 168750, ठीक है जी 168750, इसको करेक्ट कर लेना। मुझे बताओ 168750 और ऊपर ऑथराइज कितनी है, ऑथराइज कितनी है 150 है, तो ऑथराइज इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो वर्किंग नोट में डाल दो इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल किस तरीके से बताओ, एग्जिस्टिंग कितनी है 1,50,000 ऑफ 10 ईच, तो हो गया आपका 15,00,000, ऐड करो कितना कितना ऐड करूं, जितने का बोनस है, और बोनस की रेशियो क्या थी 1:2, बोनस की रेशियो क्या थी 1:4, तो 25% से हमारी ऑथराइज कैपिटल विल इंक्रीज, दैट इज 1,50,000 का 25% कितना हुआ 37,500 से हमारी ऑथराइज भी बढ़ जाएगी इंटू 10, तो ये कितना हो गया इंटू 10 3,75,000, तो ये कितना हो गया टोटल इज 18,75,000, क्लियर है जी। यानी कि जितने प्रपोर्शन से आपने बोनस इशू किया है उतने से ही आपकी ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ जाएगी, तो ये हो गया 1,87,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 18,76,000 का टोटल करके, इसको तो क्लोज करना पड़ेगा 5, 7, 5, 12 20,25,000, ठीक है जी। इश्यूड सब्सक्राइब भी होगी, इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें क्या रहेगा बताओ,
सीआरआर, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कुछ बचा है? जनरल रिजर्व पूरा खत्म हो गया था, सीआरआर पूरा खत्म हो गया था, कैपिटल रिजर्व बचा था। कैपिटल रिजर्व में हमने सिर्फ 60,000 यूज किया था क्योंकि उतना ही यूज कर सकते थे, तो कैपिटल रिजर्व कुछ बचा, कितना बचा कि सर 1,12,500 में से 60,000 ही यूज हो सकता था, तो वो हमने यूज कर दिया। तो 1,12,500 माइनस 60,000, 1,12,500 माइनस 60,000 हो गया आपका 52,500 का कैपिटल रिजर्व बचा। सेम गोस फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे ख्याल से 37,500 का था, इसमें से 30,000 यूज कर सकते, तो 7,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम भी बचा हुआ है। और पीएनएल अकाउंट में हमने देखे कितना यूज किया है, पीएनएल अकाउंट बचा है हमारा 270 का था, उसमें से हमने कितना यूज कर लिया, ऊपर एंट्री में चेक कर लीजिएगा, 37,500, 270 में से 37,500 ही यूज हमने किया है। 270 माइनस 37,500, इसकी बात करूं तो ये था 37,500 माइनस 30,000, तो कितना आएगा, 270 माइनस 37,500, 2,32,500, 232,500 का पीएनएल अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स 12% पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 12% पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 7,50,000, ठीक है जी। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उसमें एक पॉइंट और था, क्या था वो, कह रहा था आर द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर एंटाइटल्ड टू द बोनस शेयर्स, आपको लिखना पड़ेगा यस यस एज पर, कहाँ लिखा है ये पॉइंट, सेबी गाइडलाइंस, एज पर सेबी गाइडलाइंस कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड फॉर बोनस शेयर्स फॉर देयर कन्वर्टिबल पार्ट, दैट इज इस क्वेश्चन में था 20% कब मिलेंगे, ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब जब कन्वर्ट होंगे वो, जब वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो उस दिन पर उनके कन्वर्टिबल पार्ट का भी उनको बोनस शेयर्स मिल जाएगा। क्लियर है जी? चलो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी के साथ ही हमारा अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू का चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई हो आपको, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।